अस्सलाम वालेकुम परवरदिगार रहमतां बरकतां ते नेमतां नाल आज दी वीडियो दा आगाज़ करने हैं। मैं आपको बशर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पख्तू फैमिली व्लॉग के नाम से, और मेरे चैनल सब्सक्राइब भी करना है, लाइक शेयर कमेंट जरूर देना ताकि मेरा अफजाई हो और मैं आपसे जुड़ रहूँ। तो आज का व्लॉग कर रहे हैं जी स्टार्ट। आज का व्लॉग कुछ मज़ेदार है क्योंकि ना आज मैं क्योंकि अम्मी जान जो सफाइयाँ भी कर रही है क्योंकि ना फिर जो चार पाई धोने फिर उसके बाद गोहा मारना क्योंकि बाहर जो अम्मी जान ने गोहा वगैरह ने मार लिया और उधर जो गोबर गोहा शहर वगैरह ने मार लाला। लेकिन प्राइज है आपके लिए जी ना साढ़े पिंड पहली बार जेना मशीन आई है मक्की कट्टन वाली, तो जिंदगी गाँव में पहली बार ये काम हुआ है। हाँ जी इस तरह जी थोड़ा दसदा पाया क्योंकि ना फिर कोई इतने आता सी लेकिन इतने लेबर पहले लगती सी लेकिन हूँ तो जो मशीन चल गई है। ये मजदूरों की थोड़ी जी मजदूरी जी कम होंगी जी क्योंकि फिर जेना डिजिटल तरह दौर आ रहा है और मजदूरों की मजदूरी जी कम हो रही है, तो इस वास्ते जी मशीन है ना सारी मक्की ना किला एज घंटे कट के पर मार दी है बस इन्नी गए है ना। हाँ जी तुम वेखते पसो कि जो लकड़ा ना रख दिए इधर ताकि जाना इन्हों ना कोई बाहर कोई ऐसी रीज़न बन जाए ताकि सूँ किधर जाना पवे और लेकिन सानू जी ना अंदर रखने पवन ताकि जरा ना कोई चोरी वगैरह जो ना कर ना कर सके क्योंकि साड़ी जी कंधा ना बिल्कुल छोटी छोटिया ने इन ज़्यादा जो वड़िया कंधा नहीं ने तो इस वास्ते कोई चोरी वगैरह ना कोई कर सके। तो अम्मी जान जी ने इधर गोहा मारते पी है देखो ना कि गोहा इतना तिकर मार लिया। हाँ जी हाँ जी फिर क्या फिर सू सारी रूटीन जो शेयर करने मोटरसाइकिल भी तो खड़ा है इनू करने इधर क्योंकि उधर फिर लवे फिर अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ हौली आस्ते आस्ते जो सफाई अस कर लेनी क्योंकि ना जरा मैंडर से आके अस जो मंजी जो चार पाई जेना धोते पे लेकिन कपड़े वगैरह ने मेरे वही अम्मी जान ने साफ इतने ही कर लेने और लेकिन गडवा और लेकिन नाल सरफ बस इन्नी कु चीज़ ना जेना मंजा जेना चार पाई सा बिल्कुल जेना साफ हो जानी है। तुम वेखो ना कि जो मंजा ना चार पाई चा के लिया है घर क्योंकि फिर जरा इनू जेना धुप से पाजता ताकि जरा सुक जाए और इस तो बाद जेना शाम तो सौना भी है लेकिन इन प्यार आते हुए तो फिर तो काम खराब ही है वा और लेकिन सारे चार फिर जरा शोर बन गया। इधर जी गुआढ़ियों ने राजती मक्की गाने वाली मशीन लेकिन इधर जेना मक्की कट्टन वाली मशीन जेना वो भी लगी हुई है तो लेकिन जिंदगी पहली बार जेना इस एरिए च मक्की कट्टन वाली मशीन जेना आई है थानू जाके ना विखाना है वा मैं नज़दीक जेना पहुंच लाना अभी लेकिन अभी थोड़ा पिछे है जाना पे आस्ता आस्ता जेना लगी हुई है और इन जरा ट्राला जा रहा क्योंकि ना फिर जेना इन जरा कुतरा है ना बिल्कुल ही ब्रेक और इनका बंदा है जी सैलज भाई को पूछा मैं और कहता इन बंदा सैलज अगे ट्रैक्टर भी जी लगा हुआ क्योंकि ना फिर जेना इन हाल अगे जेना मारता है ताकि जो टोरे बहुत आस्ता और सही टोर सके लेकिन इनका थोड़ा जेना नुकसान भी है क्योंकि छली का नुकसान भी की जा रही है एक गल है कि सारा कुछ है वलेटी ही जा रही है। कैमरा डर साफ नहीं है तो इस वास्ते फिर जाना साफ और ये फुल जेना हो जा रही ब्रीक बिल्कुल कुतरा है ना बिल्कुल ब्रीक जरा कुतरा है ब्रीक। वालेकुम सलाम की हाल है जनाब ठीक ठाक तू सुना जनाब जी भाई जान वेरी गुड वाह जी वाह सैलज बना रहे हो जानी के अच्छा मक्की हो रहा जी अच्छा गाड़ी अपनी अच्छा वाह फिर उधर जानी जी साहब वक्त बन जाए लेकिन छली बड़ी गोल कर सारी मिस्त्री की मशीन है कर सकते हैं। हाँ जी
ਜੀ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਟਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਏਕਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਗਈ ਹੁਣ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਵਾਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ 2 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ 2 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸੈਲਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਧ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਹੀ 60 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ 60 ਕਿਲੋ ਹਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੁਬਾਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗਾਂ 60 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇਵਣ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਿਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾਲ ਲਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗੋਹਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਵਾਲਾ ਖਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਮੋਬਾਇਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਬਈ ਇਹਦਾ ਰੋਕੋ ਮੋਬਾਇਲ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਬਸ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਆ ਵਲੌਗ ਦਾ ਦੀ ਐਂਡ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਵਲੌਗ ਕਰ ਆਪ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਦੁਆਓਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ।